भिवानी शहर के अंजड़ नाके पर स्थित श्री साईं शनेश्वर सेवा समिति के द्वारा पालकी यात्रा और अन्य आयोजनों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बड़वानी पहुंचे आचार्य पंडित संदीप बर्वे ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ मंदिर का निरीक्षण कर चर्चा की। आचार्य पंडित संदीप बर्वे ने बताया कि भगवान शिव का और भगवान राम जी का प्राकट्य श्री साईं शनेश्वर मंदिर संस्थान के द्वारा यह आयोजन होने जा रहा है। भगवान का जो यह दिव्य स्वरूप है, भगवान यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव के रूप में स्थापित होंगे, जिनके 8 मुख हैं। उन 8 मुखों के साथ यह निमाड़ अंचल का पहला मंदिर है जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान होने जा रहे हैं। साथ ही भगवान रामचंद्र अपने समस्त परिवार सहित शक्तियों के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। वहीं 16 अप्रैल को साईं जी की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में होने वाले चैचिसों का भी समिति ने निरीक्षण किया। मूर्तियों का यह जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, आयोजन 17 अप्रैल से प्रारंभ होगा जो 3 दिन तक चलेगा। आचार्य पंडित संदीप बर्वे, शनि नारायण शक्तिपीठ, सनावद, मध्य प्रदेश। भगवान शिव का और भगवान राम जी का प्राकट्य श्री शनि मंदिर साई मंदिर संस्थान बड़वानी में होने जा रहा है। भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप है, भगवान यहाँ पर पशुपतिनाथ के रूप में, जिनकी 8 मुख है, उन 8 मुखों के साथ इस निमाड़ अंचल का पहला मंदिर है जहाँ भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजित होने जा रहे हैं। साथ ही भगवान रामचंद्र जी अपने समस्त परिवार समस्त शक्तियों के साथ विराजित होने जा रहे हैं।